नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल लेंस, हमारे खास एपिसोड क्वार्क स्पेस की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा हुआ था कि सर, जब हम व्हाट्सएप के फोटो को डाउनलोड करते हैं तो उन्हें हम फोटोशॉप पर नहीं ओपन कर पाते हैं, उन्हें हम क्वार्क एक्सप्रेस पर नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो वो किस तरीके से होगा और उसे कैसे हम यूज़ कर सकेंगे अपने पेज पर, अपने फोटोशॉप पर किस तरीके से ओपन कर सकेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि आप फोटोशॉप द्वारा जो डाउनलोड की हुई फोटो है उसे किस तरीके से आप फोटोशॉप पर ओपन करेंगे, और ताकि आप उस फोटो में चेंजेस कर सकें, उसका कलर करेक्शन कर सकें और उसके बाद अपने पेज पर यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तो कहीं से स्किप मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए इस तरीके के लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल लेंस को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होते रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना फिर भाई आप कहेंगे कि सर आपने हमें उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बताया, सर आपने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बताया है। दोस्तों, लगभग हमने सभी टॉपिक को कवर कर रखा है, और जिन लोगों ने अभी हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे क्वार्क स्पेस की प्लेलिस्ट पे जा करके वो सभी वीडियो देख सकते हैं जिन पर हमने अभी तक वीडियो बनाए हुए हैं। दोस्तों, मोस्टली हमने सभी टॉपिक को कवर किया हुआ है, और जो टॉपिक आपको लगता है कि सर ये बताना चाहिए तो आप हमने कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप व्हाट्सएप द्वारा जो डाउनलोड की फोटो है उसे किस तरीके से फोटोशॉप पर ओपन करेंगे, और उसके बाद आप उसको करेक्शन करने के बाद किस तरीके से अपने क्वार्क स्पेस के पेज पर लगाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा करें तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और मैं बताता हूँ आपको कि आप अपने व्हाट्सएप के द्वारा जो डाउनलोड की हुई फोटो होती है वो आप किस तरीके से अपने फोटोशॉप पर ओपन करेंगे। अगर दोस्तों फोटो पर एरर आ रहा है तो उसको किस तरीके से सही कर पाएंगे, तो उसके बाद आप उस फोटो को अपने फोटोशॉप पर खोल करके देख सकेंगे, उस पर कलर करेक्शन करेंगे, और उसके बाद आप अपने क्वार्क एक्सप्रेस के पेज पर किस तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने अपना व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर से हम ये फोटो को डाउनलोड सिले कर ले रहे हैं। और इस फोटो को डाउनलोड करने के बाद अगर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये फोटो अगर जो हमने डाउनलोड की हुई है उस फोटो का अगर हम फोटोशॉप पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस टाइप से एरर मैसेज शो करेगा। दोस्तों, इसको आप कैसे सही करेंगे और किस तरीके से इसको आप सही करेंगे दोस्तों सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले अगर आपको कभी इस तरीके से आपका एरर मैसेज शो करे तो इसको सबसे पहले आप राइट क्लिक करिएगा, राइट क्लिक के बाद से एडिट पर क्लिक करिएगा, या फिर ओपन विद पेंट कर लीजिएगा। पेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि कोई सा भी एक डॉट या फिर कोई भी इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा, और उसके बाद दोस्तों इसे जैसे क्लोज करेंगे तो यहाँ मॉडिफाई करने कहेगा, तो इसको दोस्तों आप सेव कर लीजिएगा। और सेव करने के बाद जो है अब अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ओपन विथ पर जाइएगा, फोटोशॉप ओपन करिएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो फोटो ओपन हो चुकी होगी। अब दोस्तों इस पर जो भी कलर करेक्शन करना है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कोई सा भी कलर करेक्शन वगैरह कर ले रहे हैं, और इसके बाद जो है हम इसको रेजुलेशन वगैरह जो भी हम देना चाहते हैं तो रेजुलेशन वगैरह हम यहाँ पर हम दे देंगे। इसका इमेज साइज वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप देखेंगे तो वो भी हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर लगा करके हम इसको 20 कर ले रहे हैं, और यहाँ पर रेजुलेशन खास ध्यान रखिएगा कि रेजुलेशन हमारा कम से कम 200 हो या फिर 300 का रेजुलेशन आपका होना ही चाहिए हर फोटो पर। और दोस्तों इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फोटो है वो हमारी थोड़ी सी सही और बड़ी हो चुकी है, रेजुलेशन इसका ठीक हो चुका है। अब दूसरा चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, जब भी आप फोटो पेज पर लगाने के लिए सेव करेंगे तो यहाँ इमेज पर जाएंगे और मोड पर जाएंगे। मोड पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ CMYK, तो उसको CMYK करना बिल्कुल मत भूलिएगा फोटो को, नहीं तो आपकी फोटो प्रिंटिंग में खराब क्वालिटी आएगी। उसके बाद दोस्तों फाइल पर जाइएगा, फाइल पर जाने के बाद सेव एज करिएगा। सेव एज करने के बाद याद रखिएगा दोस्तों, इसको यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया हुआ है इस फॉर्मेट पर जो है आप यहाँ पर करना है टिफ फॉर्मेट पर सेव करना है, जो भी नाम देना है XYZ जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम दे सकते हैं। और जो है इसके बाद क्या करना है कि जो नाम देने के बाद इसको आप सेव कर देना है। यहां पर दिया हुआ है कि टिफ ऑप्शन, दोस्तों यहां पर आपको सिंपल से नन करना है, और नन करने के बाद बाकी कोई भी यहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है, जो सेटिंग्स है इसके बाद आपको ओपन कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों करना क्या है, यहां पर फिर आपके पास ये फोटो आ चुकी है, जो कि देखेंगे कि जहाँ पर भी फोटो आई है कहाँ गई, और इस फोटो के बाद जो है आपको यहाँ पर टिफ फॉर्मेट फोटो यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों आप देखेंगे XYZ के नाम से ये फोटो यहाँ पर आ चुकी है, और जो कि टिफ फॉर्मेट में होगी, और इस टिफ फॉर्मेट की फोटो को हम इसको अपने पेज पर ले जाएंगे। दोस्तों चलिए हम यहाँ पर पेज अपना ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद जो है हम उस पेज पर उस ओपन करेंगे,
और इस फोटो को। तो चलिए हम यहाँ पर अपना मास्टर पेज ओपन कर लेते हैं, और मास्टर पेज ओपन करने के बाद चलिए हम दिखाएंगे आपको कि ये फोटो क्या उसमें इंसर्ट हो पा रही है नहीं। दोस्तों इसके बाद हम करना क्या है आपको, मास्टर पेज हमने ओपन कर लिया है, यहाँ पर हमने फोटो का बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। ब्रॉक्स करने के बाद कंट्रोल ई कीबोर्ड पर प्रेस किया और यहाँ पर जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि फोटो आपकी कहाँ पर है। तो देख लीजिए कि फोटो यहाँ पर कहाँ पर शो है कर रही है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी फोटो है एक्स वाई जेड के नाम से हमने लिया हुआ था, यहाँ पर ओपन करेंगे और अब आपकी फोटो आराम से इस बॉक्स में आ चुकी है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एफ प्रेस करेंगे फोटो फिट हो जाएगी, और अगर आप चाहते हैं तो बॉक्स भी उसी के फिट का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से अपने क्वार्क एक्सप्रेस पर कोई भी फोटो जो कि व्हाट्सएप द्वारा डाउनलोड की गई है जो ओपन नहीं हो रही, तो उस तरीके से ओपन करके अपने फोटोशॉप की मदद से उसके बाद आप अपने पेज पर लगा करके, पेज पर लगाने के बाद पेज को प्रिंट करा करके अपने अखबार को मैगजीन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में बताइए कि आज के इस वीडियो से क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या आपने कुछ नया जाना, और जिन लोगों को अभी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो हमसे कमेंट करके जरूर पूछेगा। और अब उम्मीद है कि लगभग सभी लोग जान चुके होंगे कि अपने व्हाट्सएप द्वारा डाउनलोड की हुई फोटो को आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और उसे अपने क्वार्क एक्सप्रेस के पेज पर या फिर अपने फोटोशॉप पर किस तरीके से ओपन कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो यह देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए इस तरीके के लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल आयंस को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। दोस्तों जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर नीचे लाल वाले बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं पड़ता है और आपको ज्ञान एकदम फ्री में दिया जाता है। दोस्तों अगर आप अमेजॉन यूज़र हैं और अमेजॉन से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो दोस्तों अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे प्रोडक्ट के लिंक दिया हुआ है, और उन प्रोडक्ट को अगर बाय करना चाहते हैं तो उस लिंक ओपन करके आप बाय कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दोस्तों को इसे शेयर करें अपने इस वीडियो को, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। एक खास बात और बताना चाहते हैं कि अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों का लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पर उसे ओपन करके आप फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सके। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।